आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष पुरुषोत्तम मास की द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक बार की बात है, दुर्योधन ने सभी पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और माता कुंती, द्रौपदी तथा अपने सभी भाइयों के साथ वह द्यूत क्रीड़ा के लिए हस्तिनापुर में पधारे। द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर ने अपना समस्त राज्य, धन संपत्ति आदि सब कुछ गंवा दिया और वह माता कुंती, द्रौपदी तथा अपने भाइयों को लेकर वन में चले गए। वन में जाने पर पांडवों को बहुत कष्ट भोगना पड़ा और परिणाम स्वरूप पांडव पुरुषोत्तम मास का ध्यान करना भूल गए। एक बार पांडवों से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण वन में पधारे। श्री कृष्ण भगवान को देखकर पांडव बहुत प्रसन्न हुए। सब पांडवों ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंदमूल, फल आदि से उनकी सेवा की। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से अपने दुखों के कारण और उनके निवारण का उपाय पूछा। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पांडवों, ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन में चल रहे कष्टों के कारण आप सबने पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। पुरुषोत्तम मास की महिमा का ज्ञान करवाने के लिए आज मैं आप सभी को एक आश्चर्यजनक किस्सा सुनाता हूँ। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी अपने पिछले जन्म में मेधावी ऋषि की पुत्री थी। वह बहुत ही सुशील और सुंदर कन्या थी। इसकी माता इसके बचपन में ही मर गई थी। उसके पश्चात इसके पिता ने ही इसे प्रेम पूर्वक पाला पोसा था। जब यह कन्या बड़ी हुई तब मेधावी ऋषि इसके लिए योग्य वर की तलाश करने लगे। योग्य वर की तलाश में वह देश विदेश में गए, परंतु अपनी पुत्री के लिए उन्हें योग्य वर नहीं मिला और वह निराश होकर वापस लौट आए। वापस लौटने के कुछ समय बाद मेधावी ऋषि की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद मेधावी ऋषि की कन्या को सांत्वना देने के लिए दुर्वासा ऋषि उनकी कुटिया में पधारे। ऋषि दुर्वासा मेधावी ऋषि के मित्र थे। दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार कर मेधावी ऋषि की कन्या बोली, हे महामुनि, मुझे अपने जीवन का अर्थ समझ नहीं आ रहा। ना तो मेरे पास माँ है, ना ही पिता हैं और ना ही भाई हैं। मेरे पिताश्री को मेरे योग्य कोई वर भी नहीं मिला। अतः मेरे हृदय में अपार दुख है। इतने दुख के साथ मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। मैं जिस भी दिशा में देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि को कन्या पर दया आ गई और उन्होंने कहा, अब से 3 महीने के बाद सबसे शुभ पुरुषोत्तम मास शुरू होगा। यह पवित्र महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। इस महीने में पवित्र स्नान करने से मनुष्य पूरी तरह से पाप रहित हो सकता है। यह पुरुषोत्तम मास अन्य सभी महीनों की तुलना में अधिक शानदार है, जिसमें कार्तिक मास भी शामिल है। अन्य सभी महीनों की महिमा पुरुषोत्तम मास की महिमा के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इस महीने में केवल एक बार पवित्र स्नान करने वाले व्यक्ति को वही फल प्राप्त होता है जो हजारों वर्षों तक गंगा में स्नान करने से प्राप्त होता है। यदि आप अति पावन पुरुषोत्तम मास में पवित्र स्नान करेंगे, यथाशक्ति दान देंगे और इस महीने के दौरान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करेंगे, तो आपके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। आपको सभी प्रकार की पूर्णता प्राप्त होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। दुर्भाग्य से मेधावी ऋषि की पुत्री को
दुर्वासा ऋषि की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि वह क्रोधित हो गई और आलोचना करने लगी। हे महान ऋषि, यह अधिक मास, जिसे मलमास भी कहते हैं, माघ, कार्तिक और वैशाख जैसे पावन महीनों से बेहतर कैसे हो सकता है? मुझे आपकी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं। आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। इस अतिरिक्त महीने को किसी भी तरह के पवित्र कार्य करने के लिए घृणित माना जाता है। ब्राह्मण कन्या के ऐसे वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए। उनका पूरा शरीर जलने लगा और उनकी आंखें लाल हो गई। लेकिन मुनि कन्या की असहाय स्थिति को देखते हुए उन्होंने सचेत रूप से खुद को नियंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने कन्या से कहा, हे पुत्री, मैं तुम पर दया करके तुम्हें शाप नहीं दे रहा, परंतु पुरुषोत्तम मास की आलोचना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने अगले जन्म में आप निश्चित रूप से अपने आक्रामक शब्दों के परिणामों को प्राप्त करेंगी। यह कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उस कन्या ने भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया। भगवान शिव को आशुतोष के नाम से जाना जाता है, जो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इस मुनि कन्या ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उसने 9000 वर्षों तक अपनी तपस्या को जारी रखा। कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे तपस्विनी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है, वह कहो। भगवान शंकर के वचन सुनकर वह कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा। इस पर शिव भगवान बोले, हे मुनि कन्या, तुमने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तुमने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तुम्हारे 5 पति होंगे और वे 5ों वीर, सर्वधर्म वेत्ता, सज्जन, सत्य प्राकर्मी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव की बातें सुनकर कन्या बहुत शर्मिंदा हुई। उसने कहा, हे भगवन, एक लड़की के लिए 5 पति होना सबसे घृणित है। कृपा करके अपने शब्दों को वापस लें। भगवान शिव ने उसे बहुत गंभीरता से कहा, यह मेरे लिए असंभव है। आपने मुझसे जो मांगा है वह प्रदान किया जाएगा। आपको अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। आपने दुर्वासा ऋषि की सलाह का निरादर करके पुरुषोत्तम मास को नाराज कर दिया था। ओ ब्राह्मण लड़की, दुर्वासा और मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं। हम सभी भगवान ब्रह्मा और नारद जैसे सभी महान संतों सहित भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार पुरुषोत्तम मास की पूजा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का भक्त अपने जीवन में सभी सौभाग्य प्राप्त करता है और अपने जीवन के अंत में वह भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान गोलोक धाम में वापस चला जाता है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास के अपराधी होने के कारण ही आपको अपने अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के जाने के बाद कन्या को बहुत पश्चाताप हुआ। वह अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित और भयभीत हो गई। इस तरह कुछ दिन के बाद उस कन्या ने अपना शरीर छोड़ दिया। इसी बीच महान राजा द्रुपद एक महान यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ की अग्नि से युवा ब्राह्मणी ने महाराजा द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया। मेधावी ऋषि की वही कन्या अब द्रौपदी के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध हो गई है। भगवान शिव के वरदान के अनुसार आप सभी 5ों पांडव उसे पति के रूप में मिले हो, क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास की निंदा की थी। इसलिए उसे अपने सभी पतियों की उपस्थिति में दुशासन द्वारा अपमानित किया गया था। सौभाग्य से उसने मुझे याद किया और मेरी शरण ली।
उसके अपराधों को क्षमा करते हुए मैंने उसे दुशासन के हाथ से बचा लिया। हे पांडव भाइयों, कृपा करके आगामी पुरुषोत्तम मास की पूजा करना ना भूलें। पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने वाला व्यक्ति कभी भी सौभाग्य प्राप्त नहीं करता। यह पुरुषोत्तम मास आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने और सभी दुखों को दूर करने के लिए पूरी तरह से शक्तिशाली है। अब आपके वनवास के जीवन का अंत हो रहा है। कृपया इस पुरुषोत्तम माह की पूरी ईमानदारी से पूजा करें, क्योंकि यह आपके लिए सभी प्रकार के सौभाग्य प्रदान करेगा। इस तरह पांडवों को पूरी सांत्वना देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद जब पुरुषोत्तम मास प्रकट हुआ तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण की बातें याद दिलाई। उन सभी ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा की और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। जय श्री कृष्ण। श्री बांके बिहारी लाल की जय। गोविंद गोपाल हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।